bird on a tree. I'm just sitting here. तीसरी चौथी बार ये GoPro हैंग हो गया। तो खरतुंगला टॉप से हम नीचे आ चुके हैं और ये देखिए यार ग्लेशियर देखिए, बर्फ़ देखिए कितनी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और बहुत तेज़ी से ये बर्फ़ पिघल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो खरतुंगला में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं लेह से सिर्फ बर्फ़ देखने, जैसे कि मनाली से लोग रोहतांग जाते हैं उसी तरह लेह से खरतुंगला लोग आते हैं। सिर्फ 37 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं आप, जहाँ से आराम से भी चलेंगे तो 2 घंटे मैक्सिमम, हम तो 1 घंटे के से भी पहले पहुँच गए थे। लेकिन अभी भी 165 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी कवर करना है हमने, और ये जैसी बर्फ़ ख़त्म होगी रोड अच्छी हो जाएगी। अभी तो रोड की हालत ख़राब हो रही है ये पानी की वजह से, पानी तो रोड का दुश्मन है। अपने बंदे काफ़ी आगे चले गए यार, और यहाँ से दिखा देता हूँ जो रूट हमने अभी लेना है, ये घूम के ये अपने बंदे जा रहे हैं, ये अपनी डोमिनार, पीछे वो अमित भाई, ये पीछे पहाड़ के पीछे चले जाएंगे ये नीचे से आगे खरतुंगला टॉप। और ये देखो टूरिस्ट खड़े हैं ऊपर, काफ़ी नीचे आ गए हम, और ये पानी बह रहा है बहुत ज़्यादा, पानी आइस बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है। विद इन वीक ही आपको ओहो ओहो हो, पत्थर में दिक्कत होती, वाटर क्रॉसिंग में दिक्कत नहीं होती। मोस्टली रोड तो आपको साफ ही मिलने वाला है, बर्फ पिघल जाएगी फिर उसके बाद फिर रोड की कंस्ट्रक्शन होएगी। अभी नॉर्थ पोल में पहुंच गए हैं, ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमने अपना परमिट जमा करा दिया है, 2 ही परमिट थे हमारे पास आगे, और हमें आगे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हमारे मोबाइल पे उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा तो तब प्रॉब्लम होगी। तो आप कभी भी आएँ तो 4-5 इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के लाएँ, हमें बताया नहीं उसने, हमारे जिस एजेंट से मैंने काम करवाया था क्योंकि जल्दी थी, नहीं तो उसने 200 रुपये पर पर्सन फालतू लिया, और हमारे परमिट विद इन 1/2 आवर बना के दे दिया हमारे होटल के अंदर। तो ये अब हमारी बाइक खड़ी है इस पीछे, अभी कुछ खाते हैं, चाय कॉफ़ी मंगाई है और कॉफ़ी पी के फिर आगे निकलेंगे। भाई GoPro बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, जहाँ भी पहुँचने वाला हूँ GoPro दबाता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं होता, बार बार खोल के बैटरी खोल के फिर पढ़ना, पता नहीं ठंड के कारण ना क्या कारण है, समझ नहीं आ रहा। अभी बैटरी तो चेंज किया मैंने। तो अब हम नॉर्थ पोलू से आगे निकल रहे हैं अंदर की ओर, नुब्रा वैली की ओर। तो अभी सीधा हम जाएंगे नुब्रा वैली डिस्किट जाएंगे, डिस्किट जो कि स्टैचू है, बुद्धा का स्टैचू है, 108 फुट का है आई थिंक, ये सामने देख लीजिए, ये लद्दाख के पहाड़ बिल्कुल गंजे बंजर, रेगिस्तान कहते हैं ये, कोल्ड डेजर्ट है ये लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट, राजस्थान है गर्म डेजर्ट और ये है कोल्ड डेजर्ट पूरा। ये एक नॉर्थ पोल से उतरते ही ये थोड़े रेस्टोरेंट ढाबे और ये एक नाला, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी रोड का काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी रोड की चौड़ाई हो रही है आई थिंक, नहीं तो पहले तो ये पुराना रोड है ऊपर जो काफ़ी नॉर्थ पोल के बाद 2-4 किलोमीटर तक बिल्कुल कच्चा रोड है, उसको बनाया जा रहा है। ये देखो बाइकर ही बाइकर मिलेंगे आपको लद्दाख में,
अगर लद्दाख में बाइकर ना मिले ना ना आए तो लद्दाख तो सूना रह जाएगा टूरिस्ट से। सबसे ज़्यादा बाइकर आते हैं यहाँ पे। कोई भी बाइकिंग करता है सबसे पहले कोई सिंपल सवाल हर कोई पूछता है, लद्दाख गए हो, लद्दाख गए हो बाइक से? मतलब कोई भी राइडर का मक्का मदीना जो है वो लद्दाख है। तो गाइस नॉर्थ पुलू से उतर के ये फर्स्ट विलेज आया है खरदुंग, और खरदुंग में हमने लास्ट जो 2018 में विजिट किया था तो यहाँ पे हमने लंच किया था, मैंने, सुरेंद्र भाई ने और जॉन भाई, हम तीन लोग थे और हमने यहाँ पे लंच किया था खरदुंगला से उतर के। और ये शायद ये रेस्टोरेंट था यहाँ पे, हाँ ये रहा इस रेस्टोरेंट में। तो अगर आपको लंच वगैरह करना हो दोपहर हो जाए तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है खाने पीने की, आपका लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं या कुछ चाय पानी ले सकते हैं यहाँ पे। और ये व्यू देख लो यार, पहाड़ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ लगते हैं, ये शेप बहुत अच्छी शेप होती है। गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे, रोड को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, वहाँ शुरू में खलसर तक। तो अभी व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए शानदार व्यू, दिल्ली की गाड़ी ये देखिए यार क्या मज़ेदार व्यू है। एक फोटोग्राफी तो बनती है यार यहाँ पे, रुको। खरदुंग से हम तकरीबन 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं, आगे है खलसर, और मैं एक बहुत ही प्यारे व्यू के लिए रुक गया हूँ। ये देखिए कितना शानदार व्यू है, और ये पूरा रूट वहाँ वो इस पहाड़ पे जाना है, हम सामने वाले वो उधर से मुड़ जाएंगे अंदर, और पहाड़ देखो यार, ये देखो नीचे, ये देखो यार बहुत ही खूबसूरत है। वो है खरदुंग विलेज, वो सामने जो है, वहीं से आए हैं हम। तो व्यू बहुत ही शानदार है, चलते हैं आगे। अभी अमित भाई पीछे हैं और अपना जोगिंदर भाई आगे, चलते हैं भाई। तो ये मेरे आगे कोई टूर जा रहा है, टूरिंग, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे टूर चलते हैं, 20-25 बाइक लेके अपना, ये सारा इनका सामान है, कैंपिंग का सामान, और इसमें एक मैकेनिक होता है, सब कुछ होता है, बैकअप पूरा होता है बाइक का। बाइक भी ये खुद प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके पास है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बाइक, उसी हिसाब से होती है फिर। Bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here Base camp Pratappur तो हमें लेफ्ट जाना है अपना डिस्किट के लिए, तो यहाँ से 15 किलोमीटर है डिस्किट, प्रतापपुर डिस्किट अंदर अंदर। तो अपने बंदे आ जाए, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से आपका डिस्किट शुरू हो जाता है। यहाँ पे तो काफ़ी चेंजिंग आ गए, शॉप्स बन गई हैं, ये पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बस स्टॉप भी बन गया है। समय जो हुआ है 4 बज गए हैं और 14 किलोमीटर जाना डिस्किट के लिए, और 2018 में हमने यहाँ पे फोटोग्राफी की थी, अभी जहाँ पे मैंने फोटोग्राफी की है। तो 3 साल में बहुत चेंजेस आ गई यार, बहुत कुछ, वो नए पीछे बस स्टैंड बन गया है, वो दुकानें बन गई हैं, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, रोड वैसी की वैसी है, 18 में भी सेम थी, अभी भी सेम है बिल्कुल। थोड़ा सा आगे जाके वहाँ से फिर ऊपर चढ़ाई शुरू हो जाएगी।
2018 में भी यहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफी करी थी, तो काफ़ी बढ़िया झरना है, तब से चल ही रहा है। और डिस्किट यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा बुद्धा का स्टैचू, 108 फीट हाइट का। इसकी मोनेस्ट्री यहाँ की फेमस है और वहाँ पे बुद्धा स्टैचू। और अगर ड्रोन के साथ उड़ाना चाहते हैं तो 500 रुपये की टिकट है, और आपकी भी टिकट लगेगी, आई थिंक 40 रुपये समथिंग थी तब, तो आप पता नहीं कितनी है। डिस्किट का गौतम बुद्धा का स्टैचू नज़र आने लग गया है, वो सामने देखो, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। अभी भी 7-8 किलोमीटर हमने जाना पड़ेगा, लेकिन हाइट बहुत अच्छी है, हाइट 108 फुट है तो दूर से दिखाई देता है। वो सामने रहा, और पूरा मैदान देखिए, रेगिस्तान। नुब्रा वैलीज़ कोल्ड डेजर्ट, इसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे डबल हम्प कैमल भी पाए जाते हैं। आप यहाँ पे अंदर में आके कैंपिंग करें और कैमल की सवारी भी कर सकते हैं। शाम को काफ़ी अच्छा माहौल होता है यहाँ पे अंदर में। इंदौर यहाँ से 6 किलोमीटर होगा, डिस्किट से 6 किलोमीटर आगे है। ये गेट आ गया ऊपर, यहाँ से हमें मोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। वेलकम टू द डिस्किट मोनेस्ट्री, अबाउट 1 किलोमीटर। और ये है गेट। तो डिस्किट मोनेस्ट्री यहाँ से 1 किलोमीटर है, और स्टैचू भी 1-1.5 किलोमीटर ही होगा। तो 3 साल बाद दोबारा हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डिस्किट स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा। और ऊपर से इतना अच्छा वैली का व्यू नज़र आएगा ना, बहुत ही शानदार। तो अब मिलते हैं सीधे ऊपर आपको। ये हमारे साथ। तीन कितना हो गया? 3 हो गया सर, 90 रुपये। अरे 10 रुपये। आगे दिखाना है टिकट, ये दिखाना है। तो ये दूसरा एंट्री गेट है, पहले मैंने आपको दिखाया था। चलो एंट्री टिकट, पहले 40 था, इस बार 30 हो गया। वाह तरक्की है यार, वेरी गुड। चलो चलो, और ये तीसरा एंट्री गेट, ये रहा हमारे गौतम बुद्धा जी, जो कि फेमस है यहाँ पे। सिर्फ मोस्टली स्टैचू को देखने आते हैं गौतम बुद्धा के। वेलकम टू मैत्रेय बुद्धा, मैत्री बुद्धा। 106 फीट है हाइट। और ये पार्किंग है ऊपर।
ये है दीक्षित दीक्षित मोनेस्ट्री। बहुत रश है यार, तो भीड़ बहुत है। The world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me। तो गाइस 4:30 हो गए हैं, हम हैं दीक्षित में और ये पीछे देखिए स्टैचू, गौतम बुद्धा का स्टैचू 106 फुट का, और ये हमारे भाई लोग खड़े हैं। तो अभी हमने फोटोग्राफी करी है और मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ चारों तरफ का, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ से पूरी ये वैली नज़र, नुब्रा वैली नज़र आती है। ये देखिए पीछे देखिए, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल नुब्रा वैली है, पूरी नुब्रा वैली है। बस अब नेक्स्ट है हुंदर, हुंदर में तो हमने रुकना नहीं है, उसके बाद सीधा हम निकल जाएंगे तुरतुक तयाश की विलेज में, वहाँ से भी अभी हमें 2-3 घंटे लगने वाले हैं। हाँ जी कुछ बोलोगे? बस क्या बोले, अभी तक का सफ़र कैसा रहा? अभी तक का सफ़र बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके, इतना अच्छा लगा, मैं चाहूँगा कि हर साल मैं आपके साथ ले करूँ दोबारा। और खोना नहीं है सर? आप कुछ नहीं खोना। हाँ ये है मोनेस्ट्री, ये देखो पीछे दीक्षित मोनेस्ट्री है सामने, और ये 106 फुट का बुद्धा जी है। 106